नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PLCRDHM एजुकेशन के अंदर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं RPSC सेकेंड ग्रेड भर्ती 2016 से संबंधित मंडल परिवर्तन को लेकर काउंसलिंग का एक मामला सामने आया है, उससे संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है, तो उसी के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो भी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, RPSC सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 के मंडल परिवर्तन को लेकर एक मामला सामने आया है। इसके अंदर काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी सामने आई है। तो शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड मामला, आवंटित स्थान पर ज्वाइनिंग का दबाव डालने अथवा रिलीव करने पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती ग्रेड द्वितीय भर्ती 2016 के तहत पूर्व में आवंटित मंडल परिवर्तन के लिए आयोजित काउंसलिंग की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सचिव शिक्षा विभाग जयपुर, निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर व उप निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन जोधपुर से 30 जुलाई तक जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायाधीश दिनेश मेहता ने लक्ष्मी व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर करीब 15 से अधिक याचिकाओं की सुनवाई में जारी किया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को जहां काउंसलिंग में भाग लेने की छूट प्रदान की है, वहीं अपरार्थी विभाग से काउंसलिंग के कारण याचिकाकर्ताओं को जारी नए स्थान पर ना तो जॉइनिंग करने का दबाव डाला जाएगा और ना ही उनको वर्तमान स्थान से रिलीव किया जाएगा। याचिकाओं की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विकास बिरजानलिया, कैलाश जांगिड़ और इंद्रजीत यादव, अशोक कुमार चौधरी और MLA देवड़ा व KR सहारन ने पैरवी की। वही अपरार्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता हेमंत चौधरी के सहयोगी विशाल जांगिड़ ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई 2020 को होगी। तो साथियों, इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो विद्यार्थी जिनका आवंटित मंडल परिवर्तन के लिए आयोजित काउंसलिंग की प्रक्रिया को जो प्रक्रिया थी उसको चुनौती दी गई है शिक्षा विभाग जयपुर और निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर व उप निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन जोधपुर ने 30 जुलाई को एक जवाब तलब किया था। उसी के आधार पर न्यायाधीश दिनेश मेहता जी है, उन्होंने जो याचिकाएं दायर की थी उनके अंदर सुनवाई आई है और उसके अतिरिक्त जो काउंसलिंग में भाग लेने की जो छूट प्रदान की है वही उसी के अंदर उनको ना तो ज्वाइनिंग करने का दबाव डाला जाएगा और ना ही वर्तमान में जो स्थान है उससे रिलीव किया जाएगा। तो साथियों, यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप तक पहुंचाने के लिए मैंने वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको RPSC संबंधित पल पल की अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक